आजादी का अमृत महोत्सव। इतिहास के पन्नों में समय था 20वीं सदी का पूर्वार्ध, जब लोकमान्य तिलक का जय घोष स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है चारों दिशाओं में गूंज रहा था। गांधी जी के सत्याग्रह की अलख राष्ट्रीय परिदृश्य में जगने लगी थी। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी का मार्ग अपनाया जाने लगा था और राजनीतिक चेतना स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई थी। ऐसे में अपनी लेखनी और पत्रकारिता से राजनीतिक चेतना का स्वर बने महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी जेल में लिखी ओजस्वी कविता पुष्प की अभिलाषा आजादी के दीवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। राह नहीं मैं सुर बालाए गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। राष्ट्रभक्ति की रंगों महक लिए एक फूल को प्रतीक बनाकर रची गई ये रचना राष्ट्रीयता का एक सुंदर ताना बाना है, जिसने न सिर्फ देशभक्तों के जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, साथ ही स्वाधीनता आंदोलन को सही दिशा भी दिखाई। चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरि डाला जान, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इथलाऊं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के बाबई में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके लिए उन्होंने सितंबर 1913 में अपनी अध्यापक की नौकरी छोड़ दी। महात्मा गांधी द्वारा आहूत असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जून 1921 में युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिए गए ओजस्वी भाषण के लिए उन्हें गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय जेल में डाल दिया गया। सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अपने बिलासपुर जेल प्रवास के दौरान 18 फरवरी 1922 को आज से 100 साल पहले आपने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी, जिसके भावों को सुन आज भी रोम रोम देश प्रेम से भर जाता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर यने। आइए सुनते हैं माखन लाल जी की अमर वाणी में ये कविता। 18 फरवरी 1922 को मैंने लिखा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीरानी। माखन लाल जी की ये कविता समय की अछोर सीमाओं तक देश राग का सुरीला आंचल पसारती है, जिसको सुनकर ये साबित होता है कि अपने हक की लड़ाई बारूद उगलने वाले शस्त्रों से नहीं, मन को बेधने वाले शब्द अस्त्र से भी लड़ी जा सकती है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में सुनते रहें केंद्रीय अभिलेखागार की विशेष प्रस्तुति आजादी के तराने।